फिर वह जीव इस देह में कैसा वर्ताव करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, सदा ही मूर्खों का पक्ष त्याग के विद्वानों के पक्ष में वर्ताव करिए। और जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे प्रकार जोड़कर रथ में सुख से गमन आदि कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे जितेंद्रिय जीव संपूर्ण अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है। और जैसे कोई दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुखी होता है, वैसी ही अजित इंद्रियां जिसमें ऐसे शरीर में स्थित होकर जीव दुखी होता है। फिर मनुष्य कैसे आरोग्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो श्रेष्ठ वैद्य होवे उनके साथ मित्रता से रोग रहित अधिक अवस्था वाले बलिष्ठ विद्वान हो और भूमि के राज्य को प्राप्त होकर जहाँ कहीं विमान आदि वाहनों से जा आकर विद्वानों के मार्ग का आश्रयण करो। फिर राजा और प्रजाजन कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य और मेघ समस्त पृथ्वी का आकर्षण कर प्रकाश और जलयुक्त करते हैं, वा जैसे सूर्य इस पृथ्वी के अर्ध भाग को प्रकाशित करता है और वर्षा को करता है तथा अंधकार का निवारण कर सबको सुखी करता है, वैसे ही राजा और प्रजाजन सत्य को खींच असत्य को त्याग कर अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रचार कर और उत्तम विद्या के उपदेशों की वृष्टि कर सब मनुष्यों को सुखी करें। फिर वे राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो आपके राज्य में असंख्य धनों को देने वृष्टि करने तथा अतिथियों के संग का सेवन करने वाला जन होवे उसकी रक्षा को आप करिए, और जो हम लोगों को धन प्राप्त होवे उसको आपके लिए हम लोग देवें, और जो आपको प्राप्त होवे उसको हम लोगों के लिए दीजिए। फिर मंत्री जन राजा से क्या प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो धार्मिक शूरवीर और शत्रुओं के जीतने वाले राजभक्त और प्रजा के पालन में तत्पर विद्वान मंत्री जन होवें वे घोड़े आदि संपूर्ण पदार्थों को 10 गुने राजा के समीप से प्राप्त होवें। फिर वह राजा अधिकार किसके लिए देवे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा आदिजन पालन करने योग्य के लिए पशु रथ आदि के रक्षण के अधिकार को देते हैं वे अच्छी सामग्री से युक्त होते हैं। फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा को बलिष्ठ कर और संपूर्ण ऐश्वर्य को बढ़ा के उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है वही राजा राज्य को बढ़ाने के योग्य होवे। फिर वह राजा कैसे मित्रों की इच्छा करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक बलवान के साथ मित्रता करें जिससे सर्वदा विजय हो। भावार्थ, जो मनुष्य सब ओर से बल को ग्रहण करके जलों के बलकारी मेघ को जैसे वैसे सुख को वर्षाते हैं वे सब प्रकार से सत्कृत होते हैं। फिर राजा को बिजली से क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, बिजली आदि पदार्थों और संपूर्ण मूर्त द्रव्यों के मध्य में वर्तमान कर्मों से युक्त सेना को करके विजय से शोभित होइए। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे ईश्वर ने पृथ्वी और सूर्यादि संपूर्ण संसार को अपनी सत्ता से स्थापित किया वैसे ही बिजली संपूर्ण द्रव्यों में अभिव्याप्त होकर मध्य में प्रविष्ट है। ईश्वर की उपासना और बिजली आदि के प्रयोगों से दूर पर स्थित भी शत्रुओं को जीत कर सबको जिलाओ। फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप ऐसे बल को धारण करिए जिससे दुष्ट व्यसन और दुष्ट शत्रु नष्ट होवें और प्रजाओं के पोषण करने को समर्थ होवें। फिर राजा आदिजन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजा आदिजनों,
तुम लोग दुंदुभि आदि वादित्रों से भूषित हर्षवा पुष्ट से युक्त सेनाओं को अच्छे प्रकार रखकर इनसे दूरस्थ भी शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर प्रजाओं को धर्मयुक्त व्यवहार से पालन करो। इस सुक्त में सोम, प्रश्नोत्तर, बिजली, राजा, प्रजा, सेना और वादित्रों के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में इंद्र, सोम, ईश्वर, राजा, प्रजा, मेघ, सूर्य, वीर, सेना, यान, यज्ञ, मित्र, ऐश्वर्य, प्रज्ञा, बिजली, बुद्धिमान, वाणी, सत्य, बल, पराक्रम, राजनीति, संग्राम और शत्रु विजय आदि गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय की पूर्वाध्याय के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित सुप्रमाण युक्त आर्य भाषा विभूषित ऋग्वेद भाष्य के चौथे अष्टक में सप्तम अध्याय 35वां वर्ग और छठे मंडल में 47वां सूक्त भी समाप्त हुआ। अथ अष्टमाध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। अब चतुर्थाष्टक के अष्टमाध्याय का आरंभ है। इसमें 22 ऋचा वाले 48वें सूक्त के प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय का वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन आप लोगों की प्रीति उत्पन्न करें, वैसे आप भी हमारे कार्य साधने के लिए प्रीति उत्पन्न करिए। फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे प्रजा सेना जनों, जो राजा संग्राम वा असंग्राम में सबकी रक्षा करने वाला निरंतर हो, तदनुकूल वर्ताव कर हम लोग उसके लिए पुष्कल सुख देवें। फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आपको चाहिए कि निरंतर विद्या और विनय के प्रकाश से और दुष्ट व्यसनों के नाश से प्रजा की निरंतर पालना करो। फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मूर्ख को विद्वान करते हैं वे महत अनुकूल सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सब में व्याप्त होकर रहने वाले अग्नि को विद्वान जन प्राप्त होते और मथ के प्रदीप्त करते हैं वे भूमि के राज्य करने में अधिष्ठाता होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस बिजली रूप आग से भूमि और सूर्य दिखाते हैं, जिससे अधिक वेगवान कोई नहीं, तथा जो अंधकार की निवृत्ति करने वाला है उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करो। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान जन सूर्य के समान शुभ गुणों में बल व सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं वे सत्कार करने योग्य हैं। फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो इस प्रजा में विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों को ग्रहण कराते हैं उनका तुम निरंतर सत्कार करो और वे आपका भी सत्कार करें। फिर विद्वान जन संतानों को कैसे शिक्षा दें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, आप जैसे इन हमारे संतानों की बुद्धि के बिलोड़ने से विद्या प्राप्ति हो वैसे अनुविधान कीजिए, और जैसे पुरुषार्थी जन धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करता है वैसे ही आप शिक्षा दीजिए। फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो अध्यापक वा उपदेशक पढ़ाने तथा उपदेश करने से शुभ गुणों को ग्रहण कराकर सबके